अखंड भुवनेश्वर वैकुंठ का बिहारी, कई प्रकार की बड़ाइयां करना जब चालू किया तो सती जी इनके स्वर को शब्द को सुन रही करते हुए जब सुना तो सती के हृदय में एक शंका हो गई। याद रखना, बाप का रिश्ता पुत्र से मिट जाता है शंका करने पर, नारी का रिश्ता मिट जाता है पति के साथ शंका करने पर। शंका अगर समाधान नहीं होती तो संसार में अच्छे मिट जाते हैं। शंकाओं का कारण है कि कई लोग विलग हो गए, अलग हो गए। शंका कभी नहीं करना चाहिए। सती के हृदय में शंका हो गई। शंका क्या है? हारिष्ट योग्यम परिवर्तिता। हमारे हृदय में परिवर्तन लाने वाली शंका होती है, और शंका जहां पैदा हो जाए सजनों, वहां पर रिश्ते मिट जाते हैं, और जहां रिश्ते मिट जाते हैं वहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति खत्म हो जाती है। कभी शंका ना करें। उसी समय श्री सती जी ने कह डाला कि मैं तो ये समझती थी कि जग के परम पावन महादेवों के महादेव आप हैं, पर मैं ये नहीं समझती थी कि रोते हुए नौटंकी छाप के लिए तुम प्रणाम कर रहे हो। मैं समझ रही हूं कि तुम मुझसे भी कमजोर हो जो प्रणाम कर रहे हो। ये पागल बना फिर रहा है, इसको प्रणाम कर रहे हो तुम। ये नारी के वियोग में रो रहा है, इसको आप प्रणाम कर रहे हो। सती जी के लिए बहुत समझाया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने कहा, सती ध्यान दो। क्या ध्यान दो? कहा, मैंने जगत ईश्वर महाप्रभु को प्रणाम किया है कोई साधारण नहीं। रावण ने सीता का हरण कर लिया, इसलिए सीता की वियोग में रोते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि उस नारी के लिए रो रहे हैं। आजकल नारी के लिए कोई रोता नहीं है, पर उस नारी के लिए राम रो रहे हैं। कौन नारी के लिए? तापत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्त्यानुसारणीम तारणीम दुरु संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी हो तो मनोरमा नाम जैसी, सीता जैसी, कुलोद्भवाम जो कुल को तार देती है, ऐसी साधारण नारी के लिए राम वियोग नहीं करते। सजनों, पत्नी के लिए रोना पड़ता है, पर कौन पत्नी के लिए रोना पड़ता है? जिसके घर में राम सीता जैसी जोड़ी बनी हो तो सीता के लिए राम रूपी पति रोता है, और जिसके घर में समझो राम रूपी पति है सजनों, उस घर में सीता रूपी सती उसके वियोग में रोती है। और जिसके घर में ना राम है ना सीता है, ना धर्म है ना कर्म है ना नीति है ना स्वभाव है, उस घर में कोई नहीं रोता। एक बालक था, बालक जरा ध्यान दीजिए, एक बालक था, वो गुरुजी के पास पढ़ने आता था। गुरुजी ने उसके लिए प्राणायाम सिखाया था, प्राणायाम। एक दिन बोला, गुरुजी कल हम स्कूल नहीं आएंगे। कहा, क्यों? कहा, कल हम इसलिए स्कूल नहीं आएंगे कि हमारे फलदान वाले आ रहे हैं। तो कहीं फिर फलदान के बाद आए कि नहीं? कि फलदान के बाद आओ। अब धीरे धीरे कुछ दिन तो आओ, बाग बाग बोलो, गुरुजी कल हम तीन चार दिन नहीं आएंगे। कहे कि हमारा ब्याह हो रहा हो, विवाह के बाद आओ कि नहीं? कि घर गुना है। और सजनों, जब विवाह हो, पत्नी घर में आई तो परम प्रेम जब उनका दोनों का हो गया तो पाठशाला जाना बंद कर दिया। एक दिन को धोखे में गुरुजी के पास पहुंच गए कि काय गुरुजी, हम बहुत दिन में आए, कि काय बेटा काय आए, कि गुरुजी पढ़वे लिखवे में कोई सार नहीं। कई और मेरे घर में पत्नी आ गई, समय पर पानी देती है, समय पर भोजन बनाती है, समय पर बिछोना कर देती है, पलंग लगा देती है, बड़े अच्छे से बोलती है, बहुत चाहती है, मायके जाने में भी रोती है, वो हमको चुहाती है। बोला, ठीक है। कही, बेटा एक बात करना। कि क्या? कि तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत चाहती है। कि हाँ। कि तुम जाकर के कहो अपनी पत्नी से कि मुझे खीर खाना है। और कहीं खीर ऐसी नहीं जे में मेवा है, मिष्ठान है, अच्छी चीज, दूध है, मलाई है, सब मिलके बना।
और कहे बेटा जब जब खीर जो है चूल्हे पर से जब उतर आए तो घर के सामान भी किनाने थामो हो तो थामो कि हाँ कि मैं थामे ही पकड़ के बैठ गई और मरे जैसे हो जाए प्रणाम साध ले घर जाके पहुंचे कि सुनती हो हाँ खीर बनना है अच्छी ब्रह्मरे खीर बनना गोवा गोवा डाल के बनना कही हाँ जी अच्छी बना है तो जब सोची बनने के हमें तो मैं ले खीर बन गई और खीर जब बनी गुरु जी ने कहा थामे पकड़ के बैठ जाएगी तो तू यहां तो थामो पकड़ लड़ मरेगा ही हूं मैं पढ़ाया हूं खीर जब उतार के सामने में चिल्लाती सुनते हो कहा खीर बन गई जाओ कहां हो तुम आ जाओ जल्दी से खीर बन गई आप भी खा लो हम भी खा रहे सास ससुर न दिख रहे नहीं तो हम उन्हें भी दे रहे पर सजनो वो जो थामो पकड़े बैठो तो रो रो तो डरो तो विचार करो कि ये तो अब खीर की कह रहे थे और अब तो जी मरे खाई हो गए विचार करो कि अगर मैं अब चल ले हो कि जी मर गए तो खीर बनी की बनी रह जाए इसलिए प्यारा खीर पालो जा मैं तो बाई पड़ी तो पूरी खीर खा गई और खीर खावे के बाद चिल्लानी पुरा के आदमी जुड़ गए क्या होगा भाई कहा जी भगवान जाने कैसे हो गए जी क्या कर रहे थामो पकड़े थे छुड़ान लगे थामो छूटे नहीं तो कही जो थामो नहीं छूट रहा भाई अगर हम तुम कहो तो हम जाके हाथ काट दें कि नहीं भैया थामो काट दें कि थामो मत काटो की काय कि थामो अगर काटो तो घर गिर जे मुंह रेबे के लाल ने मिले इसलिए तुम जाके दो ही हाथ काट दो जो हाथ काटने की बात करी उसी समय गुरु की बात याद आ गई कि सजनों झूठी माया है जगत की ये पसारा कुछ नहीं धरती रसातल चंद्र तारा कुछ नहीं जिनके तकियों की जगह थी अप्सराओं की भुजा आज उनके शीश के नीचे सहारा कुछ नहीं कर्ण से दानी हुए भीषम सहते योद्धावर मर गए पर कर न सके मृत्यु का ये चारा नहीं तुम तो कहते हो ये भी है कि वह भी है इसमें तुम्हारी भूल है कि इसमें तुम्हारा कुछ माया तो ठगनी भई और ठगत फिरत संसार जिस ठगने ठगनी ठगी उसको नाम शिकार माया सबको ठगती पर माया को जो ठगले संसार जन्म दो वही संसार का मानव है बहुत समझाया शंकर भगवान ने पर हमारे पुराण में लिखा हुआ है कुमात्यो यस्य साधत्यो चर्त्रयोग्यम् विवादात् जिसके शरीर में कुमति जब जाग जाती है कुमति आ जाती है उसके चर्त्र का नाश हो जाता है और उसके जो विचार होते हैं वो विचार तुच्छ बन जाते हैं पार्वती जैसी नारी सती जैसी पत्नी सती जैसी नारी आज छोटी सी शंका को अपने हृदय में रखने के पश्चात आज सजनों संसार से भोलेनाथ से विदा हो रही है अब सजनों विचार करो कि पति के प्रति शंका क्यों हो गई भोलेनाथ के प्रति शंका क्यों हो गई याद रखना सजनों कथा तुम्हारे सामने मैं बाहर से नहीं बोलता भीतर ही भीतर बोलता हूं ये शंकर भगवान का प्रणाम करना अच्छा क्यों नहीं लगा शंका क्यों हुई इसलिए हुई कि सज्जनों शंकर भगवान पार्वती को सती को कथा सुनाने के लिए ले गए थे पर भगवान की कथा में जिसका मन नहीं लगा इसलिए इसके शरीर में भगवान के प्रति ही शंका हो गई बोली उमापति महादेव की कभी भी हो किसी भी पंडित के कार्यक्रम में जाए छोटे के जाए चाहे बड़े के जाए पर कथा जितनी सुन रहा है उतनी सुनो ना सुनी जाए तो गुपचाप घर चले जाओ परंतु कथा में शंका मत करो एक जगह हम गए एक गुरु जी हमें शंका हो गई हमें क्या हो गई कई बार सुपन खा के नाक कान काटे थे भी कहां गए हमारे बाप दादा नहीं पढ़ो हमने पंतु पूछ रखी बाकी नाक कान कहां गए हमने की भैया चले जाओ हमारे तो एक नल लगोते पर रखे
कई गुरु जी जब आप मजाक कर रहे हैं तो हमने की तो मैं कच्ची सूत्रा खास रिश्तेदारी करने हैं। अगर करना हो तो हम बताएं। तो सजनों उल्टी सीधी शंकाएं करके अपनी वाणी और अपने शरीर और अपने भविष्य को बिगाड़ते हैं। बोलिए तो शंका जो होती है केवल भगवान के राम की कथा में मन नहीं लगा, अनुराग नहीं लगा, ध्यान नहीं लगा, इसी का खास कारण ये है कि श्री सती जैसी नारी के हृदय में भगवान के प्रति शंका हो रही है। बहुत समझाने के बाद जब नहीं माने, भगवान शंकर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और उसी समय सती से कह दिया, सती संदेष्ट मान्यम यायाम सत्यम विकारः। तुम्हारे लिए अगर शंका है, तुम्हारे शरीर में विकार उत्पन्न अगर हो गया है तो क्या करो, जो तुम्हारे मनु अति सन दे तो तुम जाई तुम्हारे मन में हे सती अगर अधिक संदेह है, संशय है, राम की कथा सुनने वाले के शरीर में कितनी बातें नहीं आती, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहंग उड़ावन हारी। शंकर ने कथा सुनी इसलिए कोई बात नहीं, पर सती ने कथा नहीं सुनी तो इनके शरीर में संशय बिहंग उड़ावन हारी, संशय को उड़ा दिया जाता है, परंतु इनके शरीर में संशय बन गए। सती ने उसी समय और भगवान शंकर के मुख से जैसे ही शब्द निकला उसी समय जगदाधार महाप्रभु असंतोष महाकारण युग्यम चाम संप्रदा, जिस प्रभु को संसार नहीं अजमा सकता, सत्यनारायण में लिखा है त्वन माया मोहिता सर्वे दबौ कसा ना जानती गुणारूपं तपस्त्रियं मदं प्रभु मूढ़ो हम तुम कथाम जाने मोहितस्य उच्च माया। भगवान के आदि मध्य अंत संसार में कोई जान नहीं सकता, संसार जिसकी माया में लिप्त होता है उस महाप्रभु की परीक्षा लेने के लिए आज सती का नाश इसलिए होना है कि सती जैसी नारी और सतत्व को धारण करने वाली आज भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। कभी भी हो सजनों पांच लक्षण भाईचारों में ना हो। मैं भाई आप लोगों से नहीं कह रहा, मैं तो आम गांव वाली बात कर रहा हूं, आम गांव का रहने वाला हूं, वहां की बात कर रहे हूं, यहां की बात नहीं। पांच बातें नहीं होना चाहिए। कहा कैसी? पहली बात सुनो, नदी तीरे चया वृक्षा, नदी के तीर पर कितना भी अच्छा वृक्ष हो वो नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिए। नदी तीरे चया वृक्षा, नदी के तीर पर रहने वाला वृक्ष नष्ट होता है, और पर गए यीशु कामनी दूसरे के घर बार बार जाने वाली नारी नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं होती तो कलंकित हो जाती। तीसरी बात, पति पर भरोसा ना करने वाली नारी नष्ट हो जाती है। और सज्जन मंदो जो पति के पहले भोजन कर लेती है वो धर्म से नष्ट हो जाती है। और पांचवी बात बड़ी गहरी है। बड़ी गहरी क्या है देखिए,
सिंगार कौन के लिए किया जाता, बुरा ना लगे आप लोगों को, मैं तो बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने वाला पंडित जो होता है, वक्ता जो होता है, वो निर्लज्ज होता है। सिंगार किसके लिए होता है विचार करना, आप लोग सब लोग बैठे हैं, सिंगार होता है पति के लिए। अब आप विचार करना, अगर बाई की लाने, अगर यहां से अगर और सारी चौका अगर जाना है, बाजार करवे जाने हैं या ब्याह में जाने हैं, तो विचार करिए सज्जन बंधु, कौन सा विचार कि पहले जो कपड़ा है वो उतर गए, पहले कपड़ा उतर गए और दूसरे कपड़ा नंबर एक के तैयार हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी गड़बड़ी हुई थी। तो श्रृंगार होता है पति के लिए। पानस्य योगम परिवर्तिता है। अगर नारी परिवर्तन शरीर में अगर लाती है, श्रृंगार के युक्त में अगर आती है, तो किसके लिए आती है? पति के लिए आती है। भगवान शंकर ने, भगवान राम ने श्री सीता जी का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? एक बार चोनी को सामो बनाए, सब सुहाए निजकर भूषण राम बनाए। श्री सीता जी के लिए सुंदर श्रृंगार करने के लिए इन्होंने, भगवान राम ने अच्छा श्रृंगार किया। पर सजनों कैसा श्रृंगार था वो? वो श्रृंगार ये नहीं था, कन्नौला का हार और सजनों हाथों में बेल चुड़ी, ये नहीं था वो। वो क्या था? हमारे भगवान ने फूलों की माला बना बना करके सीता का श्रृंगार किया। फूल जैसा श्रृंगार सीता का किया। और आज के जमाने में बालों में सेंट इत खुलासी, हाथ में रिश्तेबाज चाम संग चढ़ाती है, पाउडर मुख पोत देत और झूठती सी चाल, दिया पर सौ सौ की डगरिया बधाती है, 20 की आय पर 40 करती खरत, पैन लेडी सू अजी एड़िया उठाती है। देखिए भारत की हालत ये कि देवियां स्वदेश की लेडियां कहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जिन्हें देवी जी कहते थे, आज उनके लिए लेडीज कहते हैं, लेडीज कहते हैं। तो सज्जन बंधु जरा बदलो, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा श्रृंगार है। और भारतीय संस्कृति के श्रृंगार में आप लक्ष्मी की फोटो देखो, अपने घर में लक्ष्मी की फोटो लगी हो तो देखना, 12 हाथ की धोती पहने हैं। दुर्गा जी को देखो, 12 हाथ की धोती पहने हैं। सीता जी को देखो, किसी को भी देखो, पर आज के जमाने में कौन सी धोती पहन रहे, कौन सा श्रृंगार? एक बात याद रखना पाई है, अब बात आ गई, कभी पूजन करो, पाठ करो, अभिषेक करो, यज्ञ करो, तब करो, धोती चाहे पुरानी पहन लेना, परंतु जो साया है ना वो सब समय पर यूज होता है, इसलिए साया नया पहनना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। साया पुराना नहीं चलेगा, क्यों? वो सब समय पर यूज होता है, वो अपवित्र हो जाता है। और हमको देवी देवताओं के दरबार पर बैठना पड़ता है। पवित्र स्तो वैष्णव भाई सुप्रहा पिशी मात्रा तुणाम मच्छी ऋण पवित्र तस्ते पवित्र पति पवित्र सजनों, सूर्य भी उस नारी को देख करके पवित्र होता है जो साधन युक्त है।
चंद्रमा भी पवित्र हो जाता उस नारी को देख करके जो आरस्यमान है, पवित्रमान है, चरित्रवान है। इसका मतलब ये नहीं है कि नारी और पुरुष ही केवल देवताओं के दर्शन करते हैं। अरे सज्जनों, देवता भी नारी और पुरुष के दर्शन करके पुनीत और पवित्र बन जाते हैं। तो आइए, भगवान शंकर के मन में जो बात थी वो कह डाली, और सती के मन में जो बात है वो पूर्ण होने वाली है। सती परीक्षा लेने के लिए चली। सती ने परीक्षा कैसे ली? सती ने विचार किया, मैं चली तो आई, अब क्या करूं। उसी समय सती जी ने अपने रूप को बदला। और सजनों, जिसने अपने रूप के लिए बदला है उसका नाश हो गया है। देखना, रावण ने रूप को बदल करके सीता का हरण किया, क्या हाल हुआ आपके सामने कथा है। मारीच ने अपने रूप को बदल करके और भगवान के सामने मृगा बन के खड़े हो गए, क्या क्या मिला। कालनेमी ने रूप बना करके और हनुमान जी की परीक्षा ले ली, क्या मिला। सीता ने अपने रूप को बदल करके और दूसरा रूप से अग्नि में वास करके रूप बदला, क्या हाल हुआ। सजनों, इसी प्रकार से श्री सती जी ने अपने रूप और स्वरूप को बदला। रूप क्या होता है? रूपांतरस्यां इत्यतः। रूप आने मुख का होता है, आभा, शोभा, कांति और नसाई से चार प्रकार से रूप बनाया जाता है। और स्वरूप क्या होता है? सर्व श्रृंगारों के युक्त होता है। अपने रूप को बदला। और वह रूप कैसे बना लिया? श्री सीता का ध्यान करते हुए सीता का रूप बना लिया। ज्ञानामक्त योग वरिष्ठ योग नैवा। वरिष्ठ रूप को अगर धारण करते हुए कहा है, हमारे वेद में कहा है, श्री शते लक्ष्मी शपद्याम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्मिन् व्याकम्मो। उसी समय श्री श्री महान योग को धारण करने वाली सीता के रूप को धारण कर लिया। सज्जन बंधु, सीता के रूप के सामने, सीता का स्वरूप सामने बहुत चतुराई करना पड़ेगा जब ये रूप संभल पाएगा। आइए, रावण बोला विभीषण से, रावण बोला अपने सभासदों से कि ये सीता मेरे बस में नहीं हो रही। तो कहा, क्या बस में, क्या हो रहा कि इसी समय तुम राम का रूप बना करके पहुंच जाओ, सीता तुमको पसंद कर लेगी। जिस समय रावण ने जब राम का रूप बना करके सीता के पास पहुंचा और पहुंच करके लौट आया, क्या भाई तुमने राम का रूप बनाया था, क्या हुआ। क्या उस टाइम पर जब राम का मैंने रूप बनाया था तो सीता मेरी बेटी के समान लग रही थी, देखने में गोरी वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, देवता, ऋषि और मुनि और महात्मा, साधु संन्यासी, इसमें कुछ सत्कर्म होते हैं, इनमें सावास्ती होती है, इनका चरित्र का निर्माण होता है। जब कहीं ये जाकर के ये देव वर्ण में पहुंचते हैं, और आज श्री सती जी ने धोखे धोखे में उस सीता का रूप बना लिया। जब सीता का रूप बनाया, लक्ष्मण जी पहले पहले थे, तो लक्ष्मण जी ने श्री सीता को देख करके प्रणाम किया, सती को देख करके प्रणाम किया। लक्ष्मण दीख उमाकृत घेसा। लक्ष्मण के सामने सीता का रूप नहीं था, लक्ष्मण की सुंदर आंखों में, सकुमारता में, सजनों तप में, जप में वो ताकत थी कि हमारा लक्ष्मण पहचान गया कि ये सीता नहीं है, उमाकृत वेशा है। ये उमाकृत उमा है और भेष बना करके बैठी। तो क्या किया, दोनों हाथों को जोड़ करके सजनों आदर्शवादी बनकर के श्री लक्ष्मण जी ने श्री उमा जी के लिए प्रणाम किया। भगवान राम ने पिता के सहित नाम लेकर के श्री
सती के लिए प्रणाम किया और ये भी कहा माताजी अगर कह दिया कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार में पांच माता होती है, राजमाता, गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथा बिचो, माता पत्नी सुमाता चे पंचयिता मात्रा स्मरता, राजा की पत्नी माता के समान, गुरु की पत्नी माता के समान, मित्र की पत्नी माता के समान, जो हमको जिसने जन्म दिया वो माता के समान, जननी जन्म भूमिश्चो, ये सब माता। और सजनों, माँ का शब्द जहां आ जाता है वहां संसार के अंदर हर मानव का जीवन सुधर जाता है। हमारी प्रणाली में मां सबसे ऊंचा दर्जा रखती है, आपने देखा होगा, तीन है, तीन जैनों का महात्मा, जैनों में महात्मा होता है और हमारे हिंदुओं में महादेव होता है और मुसलमानों में मोहब्बत साहब होते हैं। पर अगर देखा जाए मोहब्बत साहब में भी मां का नाम आ रहा है पहले, महात्मा में भी मां का शब्द आ रहा है आगे, और सज्जनों महादेव में भी मां का शब्द आ रहा है आगे। एक बात बताएं आप, तीन देवता क्या करते हैं? एक श्रृंगार करता है, एक पालन करता है और एक जन्मदाता। मां के लिए देखिए ब्रह्मा जी का काम कर रही है, वो जन्म दे रही है। और सज्जनों भगवान विष्णु का काम कर रही है, वो बेटा को पाल रही है। महादेव का काम है अच्छा चलाना फिराना और श्रृंगार कर देना, ले जाना, ये मां का काम कर रही है। ये तीनों देवता मां में, अरे नादान मां से बढ़ के कौन होता है, मां के साई में जमाने का प्यार होता है। अगर तू रूठ गया तो मां तुझे मनाती है, भूखी खुद रहती है लेकिन तुझे खिलाती है। अगर तू आंख से हुसन हुआ ना सोई मां, अगर तू रूठ गया तो रोई मां, लिखा पढ़ा के मां ने जब तुझे जवान किया और तुझे दूल्हा बना के देखिए अरमान किया। सजनों आज वही मां का शब्द लक्ष्मण ने लगाया, राम ने लगाया, पूछा जगत बंद प्रभु हमारे ईश्वर भोलेनाथ को छोड़कर के तुम कहां आ गई? तो सजनों उस टाइम पर संदेह दूर होने लगा। उस टाइम पर समझे कि मैं समझती थी कि ये पागल घूम रहे हैं, इनको मेरा स्वामी प्रणाम कर रहा है, पर ये इनके पास तो ज्योतिष बड़ा कर रहा है कि मेरे पति का नाम लेकर के ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय लज्जित होकर के और श्री सती अपने पति के पास जाती है। धीरे भगवान ने सोचा थोड़ा चमत्कार और बता दो। सती जी ने जो ऊपर को देखा तो राम लक्ष्मण सीता, इधर को देखा राम लक्ष्मण सीता, आगे को देखा राम लक्ष्मण सीता, घबरा गई तो नीचे देख रही तो राम लक्ष्मण सीता। मोहन रक्षताम तया सख्या वृक्षो याम रामया दर्शतो याम दिशायुक्तम यस्यम यस्यम च भास्यते। जिस दिशा में देखती है उस दिशा में राम दिखाते हैं, लक्ष्मण दिखाते हैं, सीता दिखाते हैं, करोड़ों दिखाते हैं, हजारों दिखाते हैं। सज्जनों नारी के स्वभाव में लिखा है लज्जा। ये लज्जा कब होना चाहिए? लज्जा जब होना चाहिए सास के सामने, ससुर के सामने, गांव वालों के सामने लज्जित नहीं होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए। लज्जा यानी इनका स्वभाव एक ऐसा होना चाहिए जो किसी के सामने नीचे ना देख पाए, ये लज्जा है। और लज्जित वो होते हैं जब बुरे कर्म कर देते हैं, उस टाइम पर लज्जित होती है। तो सज्जनों लज्जित हो करके अपने मन में संदेह को दूर करके अब विचार करती है कि मेरे स्वामी मुझसे जब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। सती जी चलती हैं,
और सती जी चल करके सज्जन बंधो धीरे धीरे हाथ जोड़े हुए विचार करते हुए चिंता करते हुए परिपूर्णता में डूबी हुई शुद्ध सुंदर सज्जनों महासागर में दुख के सागर में डूबी हुई शंकाओं को समाधान करते हुए विचार करती है कि मैं अपने पति से जाके क्या कहूंगी। पुन्नवे देव महादेव यक्षादि श्याम चाम लिख्यते नारास्ते सो महावर्णं तस्तो नर सर्वोत्तमः। यक्षों के मालिक, गंधर्वों के मालिक, देवताओं के मालिक, ऋषियों के मालिक मेरे स्वामी हैं। उन स्वामी के सामने जिनका स्मरण दिन रात विष्णु भगवान के प्रति होता है, शिव प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहिं कल्प भरी घोर नरक में वास। वह स्वामी का सत्संग जिनके साथ में है, जगदाधार महाविष्णु का सत्संग है, उनके सामने अब मैं क्या कहूंगी, झूठ नहीं चलेगा। और झूठ बोलना पांच पापों में बटा है, पापाचार दुराचार अन्याचार अनाचार दुराचार विभिचार अत्याचार। पर नीचा मुख करके सती जी पहुंच गई। भगवान शंकर ने उसी समय क्या किया, अपनी जो आसन थी उस आसन को उठाया और सामने दे दिया, सामने आसन लगा दी। सज्जनों जो पति नारी के लिए आसन दे दे, स्थियताम बैठने की कह दे, उसके बराबर सम्मान पाने वाली नारी संसार में दूसरी नहीं है। आपने देखा हो कि पति को तो सुंदर आसन मिल जाती है पर पत्नी के लिए पति आसन नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है ना। अगर कोई किलाने गाड़ा वारा अगर जाना हो और कोई की पत्नी देख भी दिखावे में कहूं अच्छी नहीं लग रही हो तो बात से कम तो 50 कदम आगे चला था कि पूछने ले जो कभी ये जी कौन। आसन की तो बात ही छोड़, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पर शंकर भगवान ने पत्नी श्री सीता सती को कितना चाहा कि आसन दे दी, सन्मुख की आसन दे दी। सर्वकज्ञासन दिव्यम चांग कथा, आसन को पा करके सती जी बैठ गई। सती क्या पढ़ी थी सजनों, सती पिता के राज में सांख्य शास्त्र के लिए पढ़ी हुई थी। सांख्य शास्त्र में गीता का एक श्लोक आता है, तद्दी प्राणी पातेनो परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन। जो तत्व की पहचान करती थी, तत्व को पहचानती थी, जो मनुष्य के हृदय की जानती थी, केवल भगवान की कथा ना सुनने पर इसमें परिवर्तन हो गया। आज सती की कीमत क्या है, सतत्व की कीमत क्या है, जरा विचार करने ना माता। ये कथा तुम्हारे सामने है, तुम कई बार सुन चुके हो, पर ध्यान कर लेना कि कभी भगवान की कथा का त्यागन ना हो और कभी पति की परीक्षा लेना मत, कभी भगवान के प्रति शंका करना मत। छह चीजें छोड़ देना यार, छह चीजों बड़ा लाभ होगा कि कौन कौन सी, जरा हम गा के बता रहे हैं। जिस राग में हरि का नाम नहीं, जिस राग में हरि का नाम नहीं, उस राग को गाना ना चाहिए। जिस पान में अपना मान नहीं, उस पान को गाना ना चाहिए।
किसी नारी हो पर बात बताना ना चाहिए, कितनी भी गरीबी घर पर हो पर बाहर कहना ना चाहिए, गरीबी घर पर हो पर बाहर कहना ना चाहिए। सजनों ये छह बातों पर ध्यान रखें, कभी भी हो राम का नाम त्याग करके कभी भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, राम का नाम ना त्याग। आज के जमाने में सज्जन बिंदु, एक गांव में हम घुसे तो बागाओ में हमने कहा देखो कि बाइयां कछु गाना गा रही थी, गाना तो बेगाना ऐसी गा रही थी कि मंगल गीत अगर गाए जाते तो भगवान आते, पर वे गीत ऐसे थे कि भगवान अगर आए हैं तो भी भाग जाते, कहीं चलो चलो। हम लोगों ने संस्कृति बिगाड़ दी, कैसी कि पहले जब ब्याह होता था तो मोटर नहीं चलती थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, तो जिन जिन के सबके पति जो है वो बारात में जाते थे तो पैदल जाते थे या गाड़ी बैल से जाते थे, और जब पति गाड़ी बैल से या पैदल में जब बारात जाते तो जिन जिन के पति बारात में जाते उनकी पत्नी आए मंडप के नीचे गौरी माता की पूजन करती, जय हो गौरी सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, हमारे पति की रक्षा करना, हमारे पति बीमार ना हो, हमारे पति घरे अच्छे से हो जाए क्योंकि बारात में गए। तो सजनों बाग गौरी की पूजन सबने बंद कर दी, बरात के जावे के बाद में गौरी की पूजन कोई मड़वा के नीचे नहीं करे, बेहू करन लगी गौरी है, गौरी की पूजा की लिंगा गौरी है। अब सज्जन बिंदु फुल पैंट शर्ट और पहन लग गए तो बन गई घर नहीं है। अब विचार करो कि अपने चंदा करने का जो प्रसाद जोड़ भी किराए तो मुंह सर रख लो कंधा पे, तो सजनो जिब छूमन लगी जवा से पैसा दे 50 दे 100 दे तो बन गई बर रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बुरी न लगे माता, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो कहां से पैदा हुई थी, कहां आके डूब गई। सज्जनों हमारी संस्कृति जो थी पूरी देवताओं के ऊपर निर्भर थी, देवताओं के ऊपर, देवताओं के प्रति ही कुछ कर्म किए जाते थे, सत्कर्म किए जाते थे, देवताओं का नाम लेकर के ही हम करते थे। तो सज्जन बिंदु जाकर के श्री शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा, बड़े आदर से पूछा, नारी जो है सम्मान और आदर की मूर्ति है, ऐसा नहीं है नारी हमारे दहलवाड़ा अमाड़े के स्कूल में जब हम बारात लेकर के एक बार किसी सज्जन की गए तो उसमें एक सूत्र लिखा था, हमको आज भी याद है, दहल अमाड़ा में स्कूल में लिखा था नारी आपकी नौकरानी नहीं बल्कि सहधर्मिणी है, ये लिखा है। अब चाहे तो नारी नौकरानी नहीं है, बर्तन बांज दे, कपड़ा धो दे, बिछौना कर दे, झाड़ा बुहारी कर दे, ये नहीं, नारी से धर्मणी है, आपके धर्म का आधा हिस्सा प्राप्त करने वाली, इसके लिए अर्धांगिनी भी कहते हैं। अर्धांग को धारण करने वाली नारी के प्रति अश्रद्धा ना होते हुए श्री शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से पूछे, क्यों प्रेम नहीं टूटता सजनों, और सब चीज टूट जाए, हर चीज टूट जाती है पर प्रेम नहीं टूटता, प्रेम न टूटे अन मिले देखो मन की लाग, 100 जुग पानी में रही तजी न चकमक आग, प्रेम नहीं टूटता। और सज्जन बंधु प्रेम अगर नहीं टूटता है तो कभी भी ध्यान रखना, कभी ना कभी अगर बुराई होने की बात
तो प्रेम हो ही जाएगा, क्योंकि प्रेम टूटा नहीं। आप एक बात याद रखना, सूत्र लिखो, अगर आप किसी को मित्र नहीं बनाते तो कभी आपका वो दुश्मन भी नहीं होता। मित्र बनाने के कारण ही वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। तो सज्जन बंधु बड़े प्रेम से पूछा, सती जी आ गई आप? कहाँ आ गए? कहा आपने परीक्षा ले ली? कहा ले ली। कि कैसी ली? तो सज्जनों कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि वो दृश्य आंखों में झूल रहा था, उसके लिए बखान नहीं कर पा रही थी। और जगत बंद श्री महाईश्वर श्री आशुतोष शंकर भगवान जान गए थे कि सती ने कैसे परीक्षा ली, इसलिए सामने आसन दे दिया। सज्जन मित्रों, अरे छोटा सा भजन हमारे संगीतज्ञ श्री महेंद्र कुमार जी से श्रवण कीजिए और इसके बाद कथा आगे होगी। हर हर नर्मदे। संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। राम के बिना रे, भोले के बिना रे, हरि के बिना रे, प्रभु के बिना रे, ये जीवन है बेकार। हरि नाम के बिना लोग गाए गाए। बहुत ही प्यारा नाम है गुल राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, गुल राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः
किसमें मनाऊ रे तेरा भोला नमाने भोला किसमें मनाऊ रे तेरा भोला नमाने भोला नमाने मेरा शंकर 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 नमाने भैया कहाँ से मिलाऊ रे मेरा भोला नमाने भैया कहाँ से मिलाऊ रे मेरा भोला नमाने भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला नमाने मेरा भोला नमाने मेरा शंकर नमाने मेरा भोला नाम शिवा। हेलो महादेव की है प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे श्याम का हो गया बस हो गया श्री श्याम का श्री राम जय जय राम बोलो पायन महाराज दैमीसारण महातीर्थ में श्री शिव की कथा का वर्णन कर रहे हैं और ऋषि गणमुनि महात्मा जलचर थलचर नवचर मानव जितने भी जीव जंतु हैं वो कथा को श्रवण कर रहे हैं। हेलो सज्जन बंधु
अभी हम लोगों ने जो बीच में विराम दिया था, विराम का मतलब है रुकावट, उस रुकावट में आपने भगवान का भजन भी श्रवण किया, भोलेनाथ का किया। अपने आधार पर आ जावे, शंकर भगवान जय आवाज का आएगा। हम पास वाला मुख छीड़ रहे, हम नहीं बोल सकते वैसे, हम तो दूर से बोल जाए, उठा लो आप दूसरा। अब बताओ भैया, जहां में मुंह लगा के बोले हमें जो मुंह में घुस गो भाई, स्पीकर तो वहां को नाम होते कि कहो भाई से बोलो वो आवाज दे, अब जाके ना तो मुंह से लगाओ। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। ठीक है भैया, यहां से मुंह से लगा के बोलो। शंकर भगवान श्री सती जी के लिए सन्मुख आसन देते हैं और उसी समय संकल्प कर लेते हैं। देखो संकल्प एक बार होता है, भाई भाई का बंटवारा एक बार होता है, कन्यादान एक बार होता है। देवी पुराण में लिखा है शंकर दंशोक निपात आती, ये तीन बातें एक बार होती है। भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया, यही संग भेंट, सती के संग अब मेरी भेंट नहीं होगी। सती के लिए अगर मैं चाहूंगा तो सखी रूप में मैं चाहूंगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि सती ने सीता का रूप बना लिया और सीता को मैं माता मानता हूं। भैया जरा विचार करना, बात आ तो चूके नहीं, मौका से मौका मिला, मौका आया हाथ, और मौके पे चूके नहीं, मौके वाली बात। आज सती ने सीता का रूप बनाया, भगवान शंकर ने त्याग दिया। और आज के जमाने में भाईचारे के नाम दुर्गा जी आजाद और बागवानी बाय घर राखे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जरा सोचने वाली बात है, देवी जी आ गई, बाई के नाम देवी जी आ गई, और देवी जी जब चली गई जब भी आदि पुरुष दो ही होगा जय श्री राम। और जरा आपके साथ विचार करो, सीता का रूप धारण किया इसलिए भगवान शंकर ने त्याग दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। हमारी संस्कृति यह कहती है कि अगर आपने किसी भी रूप को धारण कर लिया है तो जिंदगी भर सामने वाला उस स्वरूप की पूजन करता है। भगवान शंकर ने सिखाया। एक बार हम करेली में पुराण करने के लिए गए, करेली में सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए हमने, तो जिस समय बारी निकली तो बारी में हम भी गए थे संग में, तो बाने एक बोरा नरियल अपने पास चार चको के ठेला पर धर लिया। कह गुरु जी मैं जी कायलान धरे भैया तू, कह गुरु जी जब बारी निकले तो हर घर भाईचारा उभे और मैं अपने किनारे भेंट दे वो एक नरियल। तो भैया सही में हमने देखो, जब मेन रोड से जब बारी निकली तो जाओ भार है जाओ भार है जाओ भार है जाओ भार है, वो सब किला नरियल देते करो हरा लाल। सज्जन बंधो, माता सबको नहीं आती, देवता सबको नहीं आते। हम लोग स्नान कर रहे थे, रोज पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, हमें कभी देवता हमें हनुमान जी नहीं आए, कभी देवता नहीं आओ, न सपर रहे न खोड़ रहे न माला जप रहे न कुछ मिल रहे, देवता आ रहे हर हर नर्मन। तो सज्जन बंधो जरा बात सामने है, भगवान शंकर ने त्याग दिया। और भगवान शंकर ने सज्जनों समाधि लगा ली, भगवान शंकर ने श्री सती के वियोग में समाधि लगा ली,
और सती यहाँ वहाँ घूमती है, इसी बात में विचार करती है कि मेरे पति ने मुझसे संबंध क्यों तोड़ दिया। जगतोस में अस्मि, भगवान शंकर के साथ के संबंध के लिए त्याग देना, छूट जाना, बड़े वियोग की जरूरत है सजनों। सती बार बार रोती भी है। एक बार क्या हुआ, दक्षो महा मधुरमा यज्ञम यस्त प्रवर्तते सत्यायाम भीताम प्रोक्ताम यस्यम देवाम चाम निमंत्रणा। एक समय जब ऐसा आया तो ब्रह्मा जी के लिए दक्ष राजा ने बुलाया, और दक्ष राजा ने उसी समय पर विचार किया कि हमको यज्ञ करना है। सजनों, पांच चीजें बराबर की होती हैं, यज्ञ, कन्यादान, जप, तप और नियम, ये पांच प्रकार के होते हैं। यज्ञ करने का विचार किया कि मुझे यज्ञ करना है, और सजनों कौन सा यज्ञ करना है, मुझे वाजपेयी यज्ञ करना है। और सजनों यज्ञ कैसे करना है, कि सबको तो मैं बुलाऊंगा पर उस भोलेनाथ के लिए, उस सती के लिए नहीं बुलाऊंगा। मेरे यज्ञ में सब आए, सब निमंत्रण है, ऋषि मुनि महात्मा गंधर्व रक्ष सब आएंगे, परंतु भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। जरा विचार करना सजनों, सगे दामाद के लिए बुलाने में असमर्थ हो रहे राजा दक्ष, सब जगह तो निमंत्रण गए, आमंत्रण गए, पर शंकर भगवान के दरबार पर कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा। आज के समय में सजनों निमंत्रण सबके लिए जरूरत पड़ती है। किसके लिए पड़ती है? हम लोग इतना बड़ा ब्याह करते हैं, लाख का, दो लाख का, दस लाख का ब्याह करते हैं, परंतु किसी लड़की वाले ने जाकर के लड़का को निमंत्रण दिया कि तुम दूल्हा बन के आ जाना, कपड़ा भेजा दे, पैसा भेजा दे, दस लाख भेजा दे, सब भेजा दे, पर तू की मुंह से जाने के लिए लड़का लड़का के लाल निमंत्रण दे कि तुम आ जाओ। तीन दिन का सरदार बन के फुल पैंट शर्ट कटा टोपा टापी लगा करके पहुंच गया, पर निमंत्रण है ही नहीं, है निमंत्रण? विचार करना सजन, लगुन पहुंच गई, सब कुछ पहुंच गई, लगुन पत्रिका पहुंच गई, सब पहुंच गया, परंतु किसी ने कभी तक लड़का का निमंत्रण नहीं किया। और लड़का जब मंडप के नीचे जाता है, जो उसकी पत्नी बनने वाली वो लड़की होती है, वो विचार करती है कि मेरा पति आया तो है पर बिना निमंत्रण का आया है, इसलिए मैं पति के लिए सम्मान देने के लिए भाईचारों में लुक करके जाती है, नारियों में लुक करके जाती है और चार चावल डाल देती है कि आपका निमंत्रण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, तो सज्जन बंधु बिना निमंत्रण का तो कोई नहीं होता, पर आज के निमंत्रण में, आज के निमंत्रण भाई इस प्रकार के फेंक दे और पंडित नाउट समझ समझ नहीं पाए तो कहो वहां को फूट जाए, हर हाल बर्बादी, पाइयों से फेंक दे। वो केवल चार दाने इसलिए थे कि मेरे पति का सम्मान हो जाए, मेरा पति बिना बुलाया आया। ये नारी की महानुभूति है, सहानुभूति है, रसानुभूति है कि वह अपने पति को इस रूप से चाहती है। तो सज्जनों शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं आए। और एक बात याद रखना सज्जनों, जिसके यहां निमंत्रण ना हो, आमंत्रण ना हो, आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, सने, नैनों में स्नेह जब होता है, जब ही आदर सम्मान निमंत्रण होते हैं, जब नहीं होता है तो ये सब चीज वंचित हो जाती है। उसी समय पर शंकर भगवान जगदीश्वर जागे, समाधि से जाग गए और ऊपर विमानों से नारियां सुंदर गीत गाते हुए जा रही हैं। गाते हुए गीतों के लिए सुनकर के सती उसी समय
और कैलाश पर्वत के बाहर आई और सुंदर मांगलिक गीतों को सुना तो विचार करती है कि मुझे ये पता तो लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। माइयां विमानों पर बैठे हुए गाते हुए जा रही हैं, कारण क्या है? सज्जनों, जो पास की रहने वाली नारियों से जब पूछा गया उसी समय कहा, पागल हे सती, तू पूछते पर रही है? कहा, अरे कहा, निमंत्रण तो तुम्हारे यहां भी आए होंगे। सती ने कहा, निमंत्रण नहीं आए कि क्या हुआ? कहा, तुम्हारे पिता राजा दक्ष वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, जगह जगह पर निमंत्रण गए हैं, वो बाइया विमानों पर बैठ करके और यज्ञ में दर्शन करने के लिए राजा दक्ष के यहां जा रही है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ सकता, मेरी माता मुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सज्जनों माता पिता का प्रेम ही ऐसा होता है। माता पिता के प्रसन्न होने पर या दुखी होने पर ही बेटी डोली में बैठ करके पति के यहां आती है, ऐसा हो नहीं सकता। सज्जनों, एक छोटी सी लड़की का ब्याह हुआ, विवाह हुआ, हो रहा था, छोटी उम्र की थी, तो बाजे बज रहे थे, सुंदर सेनाइयां बज रही थी, और सेनाई जब बज रही थी, जिस लड़की का ब्याह हो रहा था वो नच रही थी, वो नहीं जान पाई ये हो रहा है, नच रही थी, प्रसन्न थी, वो नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, सेनाई क्यों बज रही, बाजे क्यों बज रहे। और जिस दिन बारात की विदा होना थी, उस दिन पिता ने अपनी बेटी की बाह को पकड़ा और जब उस डोली में बिठाने लगा तो लड़की क्या कहती है, सोलह सावन बीत गए और बाबुल की अगनाई में पकड़ किसी को हाथ दिया जी, दो दिन की सहनाई, माता पिता अपनी बेटी के लिए डोली में बिठा दे जरूर है, पर बेटी पर आशीर्वाद भी देते हैं। याद रखना सज्जनों, जिस समय दूल्हा बन करके जब हम लोग जाते हैं, हम भी दूल्हा बने हैं, आप भी बने हो, तो सज्जनों माता पिता भाई और बंधु को छोड़ करके जब बेटी जाती है तो कितनी रोती है। बहुत ज्यादा रोती है, पिता से, माता से, मौसी से, नानी से, नाना से, दादा से, दादी से, सबसे लिपट कर रोती है। और सज्जनों उस टाइम पर जो दूल्हा देव बने उनका क्या हाल है, वे खाम कीड़ा ने पकड़ के हंस रहे हैं, बेटी रो रही है, ये भागा भागू दो और फेंक फाग दो, ऐसा ना करी हुई। तो दूल्हा जो है, वर जो है, वो हंस रहा है और बेटी रो रही है, पर सज्जनों ये काल भैरव का खंभगड़ा रहता है जिसके लिए खाम कहते हैं, खामगड़ा है, वो खाम कहता है बेटी रो मत, ख्याल कर लेना, मैं ऐसा मौका दूंगा कि जिंदगी एक बार बेटा हंसा था तो जिंदगी भर रोएगा, और बेटी तू जिंदगी एक बार रोई थी तो जिंदगी भर हंसेगी। घर जाकर पहुंची, ले आओ दाल चावल तो बना दे, सब्जी ले आओ तो बना देना, सीताराम भैया गए तो मजदूरी कर भी लाने, किसानी कर भी लाने, बखारा को जैसी आराम, जब कहूं लाए और जब बेटी ने मना कर दिया,
अब बेटा तुम जिंदगी भर एक बार हंसे तो जिंदगी भर रो, और बेटी एक बार रोई थी तो जिंदगी भर हंस रही घर पर बैठी है, ले आओ तो बना दे सीताराम। एक जगह एक मैतारी से मोड़ा, बोलो कि भाई तू घर को सब काम करना पड़ा तो मैं बहुलवा ला कि चल जा बेटा चलो जा। लोहाबे किला में पहुंचो शाम के, शाम के जब पहुंचो तो मैतारी हारी से बोलो सास हारी से कि माताजी समझ गई हूं कि मैं कहा आया हूं। मां की बेटा अब रात को तुम रुको, सवेरे विदा कर दो। मोड़ी की अटैची सजाई, धोती कपड़ा सब कुछ लगाए लगू, और जैसे ही मोड़ी जान लगी बार लिपट लिपट कर रूल लगी सबसे, तो बा तो खूब रो रही और मोड़ा जो दमान जो तो वो रो रहो बा हंस रहो, पर हंसते हंसते बेचारा हो तो सज्जन बंधु जब मोड़ी हंस रही थी दमाद भी जब खूब हंस रोल लगे तो सब लोगों ने मोड़ी को तो बंद करो रो, आप दमाद से पूछी काय मोड़ी जा रही बात तो रो रही है बात तो रो है पर तू काय रो रहा हो, कहीं मैं जा सर रो रहा हूं कि जैसी जज जाके बाप में तारो रोआ के जगह से जा रही है ऐसी मेरे बाप में तारो भाना रोआ थे कि मार में झी रो रो। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सज्जनों उसी समय जब खबर सुनते हैं कि हमारे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए बार बार बाहर जाती है बार बार भीतर आती है बाहर जाती है और शंकर भगवान से अनुरोध करती है, क्यों भोलेनाथ मुझे तो मालूम नहीं है मेरे पिता का निमंत्रण आया है। भोलेनाथ बोले कि नहीं आया। सज्जनों वहां तक बात आगे की, भाई के यहाँ पर पिता के यहाँ पर माता के यहाँ पर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, यहां तक बात आ गई। पर सज्जनों याद कर ये बात यहां आज हो जाती है, पर भगवान शंकर ने कहा सम्मानम योग वरिष्ठा, कुछ ना हो पर सम्मान तो हो, पर सम्मान अगर नहीं है जब ही तो निमंत्रण नहीं है। सती ने कहा पतिदेव सम्मान हो अथवा ना हो पिताजी के यहां पर यज्ञ हो रहा है मैं तो जाऊंगी, शब्द लगा दिया जाऊंगी। सजनों उसी समय सती ने बिना कहे सुने जैसा वस्त्र पहने थे जैसा श्रृंगार था और अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जब जाने लगी उसी समय दूर पहुंच गई। भगवान शंकर ने कहा इसके बाद मेरा वियोग तो हो ही रहा है परंतु हे नंदीश्वर लौट करके तुम लेकर के और सती के लिए पास आओ। स्मरता पुनः सर्वे श्रृंगारम परितुष्टिता नंदात्याम याम बारश्चोतनयाम कुंभाम जाम मुने। सती के लिए लौटाया और लौटा करके सज्जनों नंदी से कहा कि हे नंदी तुम सती जी का श्रृंगार कर दो। सती का श्रृंगार कैसा किया, उसने अपने जीव के द्वारा सती के बालों को संभाला, पूर्ण श्रृंगार करके नंदीश्वर बैठे मैया मुझ पर बैठ। बहुत दिन का जो बैर है अगर तुम ऐसे पहुंच जाओगी तो फिर कहेंगे भूतों को बहाया था इसलिए भूत जैसी आ गई। पर सज्जनों शंकर भगवान के मन में बड़ा दुख है, भूत प्रेत पिशाचों को पीछे लगा दिया जाओ, राजा दक्ष के यहां पर जाओ यज्ञ के लिए जाओ, सज्जनों नंदीश्वर पर बैठी हुई श्री सती भगवान शिव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय नमः सारा कहते हुए जहां उनका घर था जहां माता और बहनें थीं वहीं पर नंदीश्वर के लिए रोक दिया गया। सज्जन बंधु नंदीश्वर के लिए जब वहां पर रोका तो होता क्या है, बहन जो थी भगनी जो थी वो देखती है, माता जो है वो देखती है,
परंतु याद रखो ना बहन बोलती है सती से और ना माता बोलती है, केवल केवल माता मुस्कुराती है। माता केवल देख रही है, मुख से हंस भी रही है, परंतु सजनों दूर से इशारा भी कर रही है। पर सती के लिए सम्मान नहीं मिलता, बैठने की कोई कहता नहीं। और बैठने की किसी ने नहीं कहा, बुलाया किसी ने नहीं। तो याद रखिए सज्जनों, ये पांच बात है। निर्गुणी से, निर्गुणी के लिए गुण मत बताइए। गुण गाना नहीं निर्गुणी से कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, कभी बात न करना कायर से, कभी बात न करना कायर, कभी बात न करना कायर से, पर जाना नहीं चाहिए। यार देखा, सती जैसी नारी बैल पर बैठी है, माता देख रही है, बहन देख रहा है, भाई देख रहा है, पर बोल नहीं रहा। विचार करो आज के जमाने में, आज के जमाने में विचार करो। भूलगा हुए बार नहीं बुला वो जावे, कोई दोष नहीं। मैं तो जी पर सजनों, सती ने राय देखा, मेरी बहन बोली नहीं, माता बोली नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे वहां जाना है जहां पर यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ देखने के लिए आई हूं। बड़े दुख की बात है सजनों, यज्ञ देखने के लिए पहुंच जाती है, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यहां पर कोई महादेव शंकर का नाम ना ले, अगर जिसने इस नाम के लिए लिया उसको यज्ञ से निकाल दिया जाएगा। सज्जन बिंदु, ये बात जो थी वो खतरनाक थी श्री सती के लिए।
अपने पिता पति का अनादर रूपी शब्द जहां पर लिखा हुआ है वह शब्द कोई काम का नहीं है। एक भैया थे, आए सती के पास, बोले सती कहां कि क्यों आई तुम, यहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, यहां सीधे तुमको निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। सती ने कहा नहीं, जहां पर समस्त देवताओं का वास हो, जहां पर मेरे पिताजी ने यज्ञ किया हो, जो मेरी जन्म स्थली हो, वहां मैं किसी भी प्रकार का अपना अपमान नहीं समझती, सम्मान समझती हूं। सज्जनों, कई काम बिगाड़ वाले ऐसे भी होते हैं, जैसे सती के मन में दुर्भंग भर दिया। एक भैया थे गांव में, भैया को काम कर रहे तो कि अगर मैंने बुला ले जाए तो अगर कुछ हो रहा हो तो बुराई करके काम बंद न देते, तो बेचले गए कुछ दिन बाहर, दो चार आठ दिन आगे लेना, जब तक मोड़ा को फलदान होने थे कि भैया चार दिन के लाना बाहर गाओ, जब तक तुम आ जाओ फलदान कर जाओ हमने मोड़ा, तो मोड़ा को फलदान करो, कोपरों में सामान धरो, और जैसे ही वो मोड़ा फलदान से उठो और वैसे वो आ गया, तो विचार करो अब तो आगा फलदान तो हो ही गो। सब लोग बैठे थे मोड़ी वारे, वो बोलो पान विचार करो, मैं सबके पांव पड़ लो, तो भैया के भी पांव पड़े मान, तो जैसे पांव पड़ो, पांव पड़े बिग लाने मोड़ा गो, ये सुन रहा बेटा, ये अब तेरे लाने मिर्गी और फिट कबू नहीं आ सके, अब तेरे लाने जिंदगी। विचार करो मोड़ी वालों, जाए मिर्गी और फिटा दे जाए, हम नहीं करेंगे फल्ला, एक मार घर चले बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही मूर्ख लोग कुछ मिल जाते हैं जो सती के लिए ठीक है, सती यहां से जाओ भग जाओ यहां से। पर सजनों, सती ने उसी समय कहा, जननी जन्म भूमश्चो, मेरी भूमि पर इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है, जाकर के यज्ञ में घुसती है, और यज्ञ में घुसने के बाद क्या देखती है, ब्रह्मा बैठे हैं, देवता बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, सब ग्रह बने हुए हैं, सुंदर स्थान है। सती ने कहा, ब्रह्मा से कहा, है ब्रह्मा, हे पितामह, जहां शंकर भगवान का भाग नहीं है वहां तुम्हारा भाग कैसे हो गया, शिव द्रोही ममदास कहावा ते नर सपने मोही न भावा। शिव का जो द्रोही है संसार में वो कितना भी कर्म कर डाले पर सत्कर्मों से उसके लिए फल कुछ नहीं मिलेगा। भगवान शंकर का जब तक प्रिय नहीं होगा, जब तक शंकर भगवान पसंद नहीं करेंगे। सज्जन मिलो, सती ने अपने पति का अपमान देख करके बहुत रोई, अति रोई,